और चला भी आ बहुत सुंदर आइए और चला भी आ आजा रसिया ले और जाने वाले आजा तेरी याद सताए कहा अरे जाने वाले आजा समझो याद सताए ना और अरे ख्वाबों का झरोदा बहुत सुंदर है शायद आपको अच्छा लगेगा। आइए ऐसा प्रसंग है मंच की तरफ से आदेश हुआ है समझ से जो बिल्कुल पसंद आएगा आपको सुनिए। अरे बैठी छुपा सैलू भैया बैठी छुपा झगड़ा रूपा बैठी छुपा झगड़ा रूपा अरे कभी किसी को कुछ ना बोले कुछ ना बता सुंदर बहुत सुंदर कभी किसी को कुछ ना बोले कुछ ना बताए पर ऐसी कौन सी चीज जिसे हर औरत छिपाए परमादरणीय झगड़ा रूपा झगड़ा रूपा अरे कभी किसी को कुछ ना बोले कुछ ना बताए पर ऐसी कौन सी चीज जिसे हर औरत छिपाए कौन सी ऐसी चीज जिसे हर पहला बंद सुनिएगा बनी बेटी बाप घर जिस समय बिटिया का जन्म होता है बड़े भैया बनी बेटी बाप घर पिता ने भी ताड़ ली जिस समय बिटिया का जन्म हुआ तब बनी बेटी बाप घर ताड़ ली माता पिता को भी बताए न
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तब बैठी छुपा समझो झगड़ा रूपा, और भैया के विश्वास को भी बहना ठुकराए, और भैया के विश्वास को भी बहना ठुकराए। पर बहन जी बात वही है कि ऐसी कौन सी चीज जिसे हर औरत छुपाए, कौन सी ऐसी चीज जिसे हर घर को छोड़ कर नया रिश्ता बनाया। जिस समय बिटिया की शादी होती है तब पिता घर छोड़ नया रिश्ता बनाया, सातु भामर डाल घर पिया का सजा, सजना के संग सजनी शर्म सारी लुटाए। आदरणीय बहन जी मंच से आदेश हुआ इस वजह से, अरे सजना के संग सजनी शर्म सारी लुटाए, पर ऐसी कौन सी चीज जिसे हर औरत छुपाए, श्रीपाल भैया जहां कहीं हो मेरा निवेदन है, आगे सुनिएगा। अरे थोड़े दिन बाद गूजी घर में किलकारी, थोड़े दिन बाद गूजी घर में किलकारी, पत्नी थी कल तक अब वो बन गई मेहदारी, चलो भैया। अरे थोड़े दिन बाद गूजी घर में किलकारी, पत्नी थी कल तक अब वो बन गई मेहदारी।
छुपा कोई ने छुपा और पेठी छुपा झगड़ा रूपा हाँ। और संतान को भी जो अपना दूध पिलाए हाँ। क्या बात है बहुत सुंदर। जब बच्चा उत्पन्न होता है बच्चा जब प्रकट होता है बच्चे का तब अरे संतान को भी अपना वो दूध पिलाए। पर ऐसी कौन सी चीज जिसे हर औरत लास्ट बंद सुनिएगा हाँ। परमादणी बहन जी वृद्धा हुई तो पूजे वृद्धा हुई तो पूजे देवी और देवता जब बुजुर्ग हुई वृद्धा हुई तो पूजे देवी और देवता उनसे भी छुपाई बात शायर तू देवता उनसे छुपाई बात शायर तू देवता छुपाई बात शायर तू देवता प्रधा हुई तो पूजे देवी और देवता उनसे भी छुपाई बात शायर तुम तो बता उनसे छुपाई तो शायर तुम तो बता उनसे छुपाई तो शायर तुम तो बता शायर तू दे बता हो बैठी छुपा झगड़ा रूपा अरे अपने अन्याना को सोफिया सदा समझाए और अरे अपने अन्याना को सोफिया सदा समझाए पर ऐसी कौन सी चीज जिसे हर कभी किसी से कुछ ना बोले कुछ ना बताए ऐसी कौन सी चीज जिसे हर औरत छुपाए कौन सी ऐसी चीज जिसे हर औरत छुपाए कौन सी ऐसी चीज जिसे हर ओ हो हो आएगा ये गीत आपकी सेवा में था एक खंड गीत सुनिएगा बहन अत्यधिक बातों में न उलझाकर सीधा सीधा मुद्दे की ओर चल रही हूँ। हेलो कि चला भिया अरे आजा रसिया और जाने वाले आजा तेरी याद सताए यादों का झरोना कहीं टूट
कि ऐसी कौन सी चीज है जो नारी पुरुष से छुपाती है। जवाब सुनिएगा। भाभी भाभी भी इनसे छुपाती होगी। हाँ वो एक ही बात है, कैसे भी समझ लो। समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। सब समझदार हैं यहाँ, कोई भी बच्चा और दुदमुहा नहीं है जो जानता नहीं है। बिल्कुल। अगर ऐसे होते तो इस टाइप के गीतों को सुनने की फरमाइश भी नहीं करते। सुनिएगा कि भेद खुला और हुआ है सुला, सदा सभी को ये ही भेद ना बताए। हाँ अपने चरित्र को है ये सबसे छुपाए। नारी अपने चरित्र को सबसे छुपा कर रखती है। किसी ने कहा भी है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम, इनको कभी भी देखें देवी और देवता भी नहीं जान पाते हैं। बहुत अच्छे। यही कथन जग में सत्य मानता है और यही वो चीज है जो नारी छुपाती है। बिल्कुल सत्य बात। तो पत्नी ही मित्र है, पत्नी माँ बेटी, पत्नी ने ग्रह की जिम्मेदारी समेटी। घर में आकर एक रोशनी जलाए, पत्नी घर में आकर एक रोशनी जलाए, अपने चरित्र को है ये तो सबसे छुपाए। अपने घर में आते एक रोशनी जलाए, अपने चरित्र को कभी ना बताए। अपने चरित्र को ये तो सबसे छुपाए, पत्नी घर में देखो रोशनी जला। ये तो एक चीज हुई, और एक चीज तो आप सभी जानते हैं जो पत्नी सबसे छुपाती है, वो है अपने पति से कोर्चा। जय हो कोर्चा देवी। और कुछ का तो मुझे नहीं पता, मैं इस जवाब से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ज्यादा इसे करेक्ट नहीं करती। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी लॉकडाउन के अंदर, जब नोटबंदी हुई थी तो जो अच्छी अच्छी महिलाएं नोटों की गड्डियां ले लेके बैंक को भाग रही थी। जय हो जय हो जय हो। न पति को पता न बच्चों को पता, कोर्चा निकल आया। आप बताइए, बताओ 48,000 तो हमारे संजय भैया के मैसेज के यहाँ निकले। हाय 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 हाय, अब देख रहे हो तुम। ऐसा था बहन जी, वो क्यों निकल के आया? मोदी बोले ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या कर लोगे, हम झोला लेके चल पड़ेंगे। जय हो। खैर चलिए। मोदी दादा से कुछ ना